चमक रहा उत्तुंग हिमालय, ये नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वो नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा। बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। सम्मानित जो सकल विश्व में, महिमा जिनकी बहुत रही है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। गाएंगे यश हम सब इसका, ये है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। मूल रूप से तमिल में लिखी गई ये कविता यह है भारत देश हमारा की ये कुछ अनुदित हिंदी पंक्तियां हैं। इन चंद पंक्तियों में ही हमें भारत के प्रति कवि की भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं। ये कविता है तमिल भाषा के महान कवि सुब्रमण्य भारती की। उन्हें लोग सम्मान से महाकवि भारतियार भी कहते हैं। 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के एक गांव एट्टियापुरम में कवि सुब्रमण्यम का जन्म हुआ था। बचपन से ही मेधावी सुब्रमण्या को उनके देश प्रेम के लिए भारती की उपाधि दी गई। उन दिनों बनारस शिक्षा के प्रमुख केंद्रों में से एक हुआ करता था। बनारस में सुब्रमण्यम भारती की बुआ रहती थी। विवाह के बाद सुब्रमण्यम भी उच्च शिक्षा के लिए बनारस आ गए। काशी प्रवास के दौरान ही उन्हें अध्यात्म और देश प्रेम की अनुभूत हुई। उन्हें इस बात का एहसास हुआ, अध्यात्म और देश प्रेम का। साल 1900 तक वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से पूरी तरह जुड़ चुके थे। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को देश प्रेम और आज़ादी के लिए प्रेरित किया। उनकी कविताओं में उनका देश प्रेम, नारी के प्रति सम्मान और समाज में सभी के प्रति संवेदना स्पष्ट दिखाई देती थी, नजर आती थी। सुब्रमण्या भारती को तमिल के अलावा हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत आदि भाषाओं का बेहद ही अच्छा ज्ञान था। हालांकि मातृभाषा तमिल होने के कारण तमिल से उन्हें स्वाभाविक तौर पर विशेष लगाव था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत उनका बेहद ही प्रिय गीत हुआ करता था। इस गीत का उन्होंने तमिल में काव्य शैली में अनुवाद भी किया था। इसके अलावा सुब्रमण्या भारती ने कई साप्ताहिक पत्रों और समाचार पत्रों का भी संपादन किया। मात्र 40 वर्ष की आयु में ही दुर्भाग्यवश साल 1921 में उनका निधन हो गया। अभी हाल ही में वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी जयंती पर भाषा महोत्सव मनाने की घोषणा की है। उनकी कल ही के दिन जयंती थी। इसके अलावा महाकवि भरतियार के 141वें जन्म दिवस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. Stalin ने वर्चुअली वाराणसी स्थित उनके नवीनीकृत आवास पर उनकी प्रतिमा का भी उद्घाटन किया है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।